पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले से पहले टीम के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल आईपीएल 2021 से हट गए हैं। उन्होंने बायो बबल से होने वाली थकान के कारण आईपीएल से हटने का फैसला किया है। गेल कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने के बाद सीधे आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए यूएई आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने मानसिक थकान होने का हवाला देते हुए टूर्नामेंट छोड़ने का फैसला लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के दूसरे चरण में महज 2 मुकाबले खेलने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने टूर्नामेंट छोड़ने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को आईपीएल की टीम बबल को छोड़कर वापस अपने देश लौटने की जानकारी टीम मैनेजमेंट को दी गई। लगातार बबल में यात्रा कर रहे गेल ने मानसिक थकान और T20 वर्ल्ड कप के लिए खुद को ताज़ा रखने के लिए इस तरह का फैसला लिया है। पंजाब किंग्स ने इस बात की जानकारी दी कि टीम के अनुभवी बल्लेबाज गेल अब आगे के मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बायो बबल की थकान की वजह से उन्होंने इस टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़कर घर लौटने का फैसला लिया है। गेल अगले महीने यूएई और ओमान में आयोजित किए जाने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से खेलने के लिए उतरने वाले हैं। दरअसल गेल लगातार एक बबल से दूसरे बबल में यात्रा करने की वजह से थकान महसूस कर रहे थे और इसकी वजह से ही उन्होंने कुछ दिन घर पर परिवार के साथ आराम करने का फैसला लिया है। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए कैरेबियन प्रीमियर लीग बबल से आईपीएल बबल में प्रवेश किया था। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत टीम के सभी खिलाड़ियों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। गेल ने अपने बयान में कहा, पिछले कुछ महीनों में मैं वेस्ट इंडीज़ कैरेबियन प्रीमियर लीग और फिर आईपीएल के बायो बबल का हिस्सा रहा हूं और मैं मानसिक रूप से खुद को तरोताज़ा करना चाहता हूं। मैं T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की मदद करने पर फिर से ध्यान देना चाहूंगा और दुबई में एक ब्रेक लेना चाहूंगा। मुझे समय देने के लिए पंजाब किंग्स को धन्यवाद। मेरी इच्छाएं और उम्मीदें हमेशा टीम के साथ हैं और आगे आने वाले मुकाबलों के लिए भी टीम को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि गेल पिछले कुछ महीनों में बायो बबल के कारण क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले पहले दिग्गज खिलाड़ी नहीं हैं। उनसे पहले बेन स्टोक्स भी मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हट गए थे। कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और डेविड वार्नर ने भी इस साल इंग्लैंड में खेली गई द 100 लीग से अपना नाम वापस ले लिया था। आईपीएल के सेकेंड हाफ में भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है।